समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, हर सुविधाएं मिलेंगी, कोई परेशान नहीं करेगा, बेहतर होगा जी, परेशान नहीं कर पाएगा। हमारे एक पार्षद लक्ष्मी चौहान जाएंगे तो सम्मान के साथ उनको कुर्सी, चाहे थाना हो, तहसील हो, चाहे डीएम का कार्यालय हो, चाहे एसएसपी का कार्यालय हो, चाहे कमिश्नर का कार्यालय हो, सम्मान के साथ कुर्सी मिलेगी और उसकी भी बात सुनी जाएगी। निकाय चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरणों पर है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इसी बीच कानपुर में प्रचार के लिए पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने एक ऐसा जवाब दे दिया जिसको लेकर सत्ताधारी पार्टी हमेशा से सपा को निशाने पर लेती रही है। मंच पर भाषण देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया कि सपा की सरकार आएगी तो कोई थाने का दरोगा आपको परेशान नहीं कर पाएगा, और जब आपका प्रतिनिधि थाना, तहसील और डीएमएसपी के पास जाएगा तो वो अधिकारी सम्मान से उसकी बात सुनेगा। आएगी उत्तर प्रदेश में, फिर सुविधाएं मिलेंगी, कोई परेशान नहीं करेगा, बेहतर होगा जी, परेशान नहीं कर पाएगा, मुकदमे फिर नहीं लिखे जाएंगे, न्याय मिलेगा, सम्मान के साथ। अगर कोई भी गांव, गरीब, कस्बे का, मोहल्ले का, वार्ड का जनप्रतिनिधि अगर हमारे इस पार्षद लक्ष्मी चौहान जाएंगे तो सम्मान के साथ उनको कुर्सी, चाहे थाना हो, तहसील हो, चाहे डीएम का कार्यालय हो, चाहे एसएसपी का कार्यालय हो, चाहे कमिश्नर का कार्यालय हो, सम्मान के साथ कुर्सी मिलेगी और उसकी भी बात सुनी जाएगी और जनता को न्याय दिलाने का काम होगा। इतना ही नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि ये सरकार अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। जो मंत्री है और सभी अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, पब्लिक ने तो जान ही नहीं रहे, केवल अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन जनता मुकाबला करेगी, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे, और जनता जब चुनाव लड़ती है ना तब बिताई देती है। तो यहाँ पर ऐसा माहौल है आपकी बात, क्योंकि जनता में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। अधिकारियों के बात के साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा की सरकार को झूठों की सरकार बता डाला। इनको तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग ही तो लेते हैं ये लोग, इनका जो भी वर्कर है वो केवल झूठ होता है, इनकी झूठी बातों में मत आना, झूठी बातों में मत आना। और साइकिल चुनाव तुम तो पुराना है, नेताजी वाला तो है चुनाव से, अब अखिलेश की और आप सब लोगों का है, हम सब लोगों का है, तो फिर साइकिल पर ही वोट करना है, साइकिल पर ही वोट करना है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।